अच्छे से फील करके माइंड कनेक्शन रखा पूरा मसल के साथ, फिर 5, 6 ये ऐसे। हाँ ये देखो, गर्ल्स भी कर सकती हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। हाँ ये जंप करने की जरूरत ही नहीं है, चीकू खड़े खड़े ही पकड़ लेता ये डंडा। हेलो गाइस, कैसे हो यार आप सब? अच्छे ही हो गए। इधर हमारे साथ चीकू भाई, ओ सॉरी, इधर हमारे साथ स्नेहा भाई, ओ स्नेहा इधर सॉरी करते हुए, उधर उधर हो गए हमारे साथ चीकू भाई। तो आज की जो हमारी एप्स की वर्कआउट की वीडियो होने लगी, देख के मजा आ जाएगा। अब आते काम की चीज पे, आज का होने वाला एप्स वर्कआउट। यार ये हर किसी के गोल्स के हिसाब से होगा, और आना कमेंट के अंदर बता देना आपके कोई भी हेल्थ रिलेटेड डाउट या फिटनेस डाउट कोई भी होंगे तो मैं कमेंट के अंदर जरूर रिप्लाई करूंगा। देखो एप्स वर्कआउट का हर किसी का गोल है। अब कोई है गेनिंग पे, तो ऐसा नहीं वो सोचते भाई गेनिंग पे हम एप्स वर्कआउट क्यों करें, यार बाइसेप ट्राइसेप सब मसल्स को ट्रेन कर रहे हो तभी तो मसल बिल्ड होंगे, तो गेनिंग में हफ्ते में 1 या 2 दिन रख सकते हो। अब आप कटिंग पे, आपका कॉम्पिटिशन आने वाला है तो हफ्ते में 3 से 4 दिन उसको अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा, साइड्स को भी साथ में उसके ट्रेन करना पड़ेगा, चीकू भाई को भी एप्स वर्कआउट ट्रेन करने पड़ेंगे। आज से अगर 2 साल तक कंटिन्यू या 1 साल तक करते रहेंगे तभी 1-2 साल बाद बढ़िया एप्स विजिबल होंगे। गर्ल्स है यार, गर्ल्स को भी एप्स वर्कआउट रखना है, अगर अपना टमी वगैरह बिल्कुल कम रखना है, साइड्स वगैरह अगर पतली रखनी है तो इनको भी करना पड़ेगा, मतलब हर कोई कर सकता है यार। इसके अंदर ट्रेनिंग आज की जो होगी एडवांस ट्रेनिंग भी होगी और इसमें नॉर्मल ट्रेनिंग भी होगी, बता दूंगा आपको। उससे पहले ले लेते हैं वे प्रोटीन। जाइए इंस्टाग्राम पे, इनको ही फॉलो करिए और इनको ही फॉलो करिए, ये स्नेहा जी को ही फॉलो करिए, ठीक है खुश, और जाके चीकू भाई को ही फॉलो करिए। सो यार अपना वे प्रोटीन ले लेता हूँ, ये डब्बा देखो खत्म होने वाला है। काफी लोगों को लगता है कि भाई यूज ही नहीं करते हुए खाली प्रमोशन करते हैं, यार ऐसा कुछ नहीं होता यार, चीज बढ़िया है तभी आप लोगों को सजेस्ट करता हूँ, नहीं तो इतने सारे ब्रांड है इंडिया के अंदर, कुछ भी मैं अपनी वीडियो में प्रमोट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। खुद एक बार ट्राई तो करके देखिए, ये 100% परफॉर्मेंस हुई यार। इसके अंदर मिलता है 24 ग्राम प्रोटीन और 6.7 ग्राम BCAA और एमिनो भी, जो लीन मसल बिल्ड करने में काफ़ी हेल्प करता है। और 1600 रुपये के अंदर 1 किलो का पैक मिल जाता है, काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया फ्लेवर्स मिल जाएंगे। खाली मैं यूज़ नहीं करता, इधर स्नेहा और चीकू भी यूज़ करते हैं, इनसे पूछ लो कैसा लगता है, तुम खुद बताओ। सस्ता इसके अंदर है एडवांस एंजाइम टेक्नोलॉजी जो आपकी डाइजेशन के अंदर काफी हेल्प करता है। और प्रोटीन का काम क्या होता है यार, आपकी मसल रिकवरी में हेल्प करेगा, लीन मसल बिल्ड करने में हेल्प करेगा, और रिकवरी होगी तो आपके मसल बिल्ड होंगे। अब लीन मसल बिल्ड करने तो जाइए फटाफट से, इसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जाके मंगवा लीजिए और इसको हम पी लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं एप्स वर्कआउट। और मिक्सिबिलिटी देखो थोड़ी सी देर में कितनी जल्दी मिक्सिबिलिटी होगी। सो यार काफी लोगों का एक डाउट होता होगा कि यार एप्स विजिबल कैसे होते हैं। यार जैसे ही हमारा बाइसेप मसल विजिबल होता है, जब इसके अंदर मसल बिल्ड हो जाएंगे, फैट परसेंटेज कम होगा, अपने आप विजिबल हो जाएंगे। अब जैसे मैं गेनिंग पे चल रहा हूँ तो ये देखो अभी भी फैट है पर अंदर मसल बिल्ड हो रखे हैं तब भी दिख रहे हैं, जब इस पर फैट परसेंटेज कम हो जाएगा तो वो उतने ही शार्प लगेंगे। तो कोई भी हेल्थी बंदा है, फैट परसेंटेज कम होते ही अपने विजिबल हो जाएंगे। अपना नॉर्मल अपना मैट घर पर ट्रेनिंग करना चाहो घर पर कर लो, पार्क में ट्रेनिंग करना चाहो पार्क में कर लो, उसको कहीं भी कर सकते हो। इसके बाद एडवांस वाले बताऊंगा एडवांस वाले कैसे होंगे, वो अपने तरीके से रख लेना जिस लेवल पे आप हो। देखो पहले तो अपना ले लो फ्लोर क्रंचेस, लाओ इसके। हाँ अब कोई इसके 10 रैप भी नहीं कर पाएगा, कोई 15 भी नहीं कर पाएगा, कोई इसके 30-40 भी कर लेगा, तो मैक्सिमम अपना 20-30-40 रैप्स तक आप जा सकते हो। जैसे ही आपके इसके 20-30-40 रैप्स हो जाएंगे, इसको हार्ड अप कैसे कर सकते हो देखो, या तो इसमें ले सकते हो इस तरीके से अपने पार्टनर की हेल्प लेकर, ये इसमें टच करेंगे इस तरीके से हाथ। और अगर आपके पार्टनर नहीं है या ट्रेनर नहीं है तो आपने क्या करना है, चीकू भाई प्लेट पकड़िए एक बारी, इसको हार्ड किस तरीके से, इसी को थोड़ा सा और हार्ड कर देना। हाँ ये ऐसे। हाँ अब क्या होगा, प्लेट से आप बिगिनर हो काफ़ी टाइम से कर रहे हो, अब एडवांस हो गया, आपको 20-30 रैप में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो प्लेट को लेके कर सकते हो। जैसे ही आप रख दो, जैसे ही आपके 20-30 रैप हो जाएंगे, उसका लेनी है मार्को लैग रेस, ये कंटिन्यू रखना है। चलो फिर लैग रेस इसके करें, फिर 20-30 रैप पूरा लाओ ऊपर। हाँ अच्छे से फील करके माइंड कनेक्शन रखा पूरा मसल के साथ, फिर रखो फ्लूटर किक्स, जैसे इसके 20-30 रैप हो जाएंगे करो। हाँ ये देखो गर्ल्स भी कर सकती हैं जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि खाली बॉयज़ के लिए हैं। ये देखो पूरा अच्छे से इसको करा आराम से चीकू भाई, पूरा उड़ना नहीं है ऐसे टांगे इतनी स्पीड में चला के, चलो ठीक है। अब इसके बाद लेने हैं क्रंच किक्स पूरे सीधे, ये पूरा अच्छे से। हाँ ये पूरा अच्छे से, पूरे अच्छे से, ये होगा पूरा एक सेट समझे, फ्लोर क्रंचेस, लेग रेस, फिर हमारी फ्लूटर किक्स, फिर हमारी क्रंच किक्स, इन चारों को रखो, इसके 2 या 3 सेट रख लीजिए, काफ़ी मज़ा आ जाएगा। उसके बाद ले लेना प्लैंक होल्ड। हाँ ये हल्का था, हाँ चीकू हल्के थे, हिप्स को नीचे कर चीकू भाई। हाँ ये इसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो 30 सेकंड का होल्ड, 1 मिनट का होल्ड, जहाँ तक 2 मिनट का करने चाहो, ये आपके कोर को स्ट्रोंग करने में काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है जी, अब मैं आपको दिखाता हूँ एडवांस कैसे होगा। अब यार एडवांस वालों की बारी यार,
तो सब क्या डिक्लाइन बेंच से होएगा ही होगा, अगर एप्स मशीन नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार। और यहाँ पे लेंगे इसके साथ हैंगिंग लेग रेस। आप क्या कर सकते हो, हफ्ते में 2 दिन आप अपना फ्लोर वाले ले सकते हो और 2 दिन अपना मशीन के थ्रू ले सकते हो। ये पूरा नींद लेटना, ये यहाँ तक, ये बस इधर, ये पूरा अच्छे थे, ये इसके 20 रैप 30 रैप। अब मैं आपको बोल दूँ 30 रैप आपसे ना निकले इसका क्या फ़ायदा। तो आप अपने इसके हिसाब से रख लेना कि आप कितने ले सकते हो। मैं उसके 40 भी कर सकता हूँ, 50 भी कर सकता हूँ। अब इसलिए नहीं कर रहा, तो आपको बोलना भी है अब मैं करूँगा या बोलूँगा, तो इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ। इसलिए चीकू भाई आपको करके दिखा रहा है। जैसे ही आपके इसके 2 या 3 या 4 सेट्स जैसे ही इसके आपके कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी हेल्थी बंदा है कॉम्पिटिशन खेलना चाहता है तो उसका ज़रूर रख लेना। फिर उसका देखो क्या करना है। आ जाओ चीकू भाई। फिर रखने ये एडवांस वाले लोगों के लिए हैंगिंग लेग रेस और हैंगिंग क्रंच किक्स। ये हैंगिंग लेग रेस ये लाए ऊपर 1, ये पूरा अच्छे से ऊपर 2, ये अच्छे से 3, ये 4, ये 5। जैसे ही आपके इसके 2-3 सेट्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप इसके अंदर फिर वो रख सकते हो क्रंच किक्स। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। इनमें से आप ऐप्स को रख लो, ना रिजल्ट आ जाए तो बता देना। इसके अलावा मेरे को तो कोई और ऐप्स वर्कआउट बढ़िया लगता नहीं है। अभी ये देखो, ये गेनिंग का देख रहे हो और एक साइड में कटिंग की डालता हूँ। कटिंग में कंडीशन देख लो और गेनिंग में देख लो कितना फर्क आ जाता है जब हमारे बॉडी फैट परसेंटेज कम होते ही। ओब्लिक्स का 3 ऐसा वर्कआउट बता रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। मैंने सोचा था ऐप्स के बारे में, चलो यार ऐप्स के साथ साइड से आप ट्रेन कर लोगे। ओब्लिक्स आप ऐप्स वर्कआउट जैसी हो जाए उसके बाद भी कर सकते हो और किसी दिन अकेले दिन भी कर सकते हो। जैसे कि किसी दिन ऐप्स वर्कआउट नहीं करा तो खाली दिन भी इसको कर सकते हो। एक तो चलो साइड क्रंचेस, हाँ ये इस तरीके से 20-30 रैप इसके 2-3 सेट्स रखे। जैसे इधर का आपका एक सेट हो जाएगा, अब चीकू भाई इधर की तरफ, हाँ फिर इधर के निकाले अपना 20-30 रैप पूरा अच्छे से साइड को, ये फील करना जैसे चीकू भाई ने हाथ रखा हो ना, तो इससे हम फील करते हैं। एक तो ये रख सकते हो, ये तो नॉर्मल कोई भी इसको कर लेगा। हटो चीकू भाई, अब आ गई बारी एडवांस वालों के लिए। आज की वीडियो खतरनाक हो गई, कमेंट में जरूर कर बता, अटक कैसे गया, कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी आज की वीडियो। ठीक है, आपको बताना आजकल मेरे न्यू ट्रेनर है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। जैसे इधर के कंप्लीट फिर इधर 1, 2, 3, 4, 5। सेकंड एक्सरसाइज आपको ये बता दी, अब थर्ड दिखाता हूँ, वो ही बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। पता है मुझे बताना पड़ेगा। हाँ बताओ। बताओ कौन सी है। कौन सी चीकू? चीकू को भी नहीं पता थर्ड कौन सी है। चीकू चीकू कौन सी है थर्ड? ये वाली करनी है आपको। तो तुक्का मार दिया इन्होंने, क्योंकि यहाँ तक आए थे, अब यहाँ तक आए थे लास्ट मशीन यही बची थी तो ठीक है यही मशीन बची। अब पानी के साथ तो कोई मशीन वो होती नहीं, इसके साथ तो कोई एक्से तो ठीक है। इस तरीके से हाइपर एक्सटेंशन पे ये 1, 2, ये 3, ये 4। ये पैरों को इस तरीके से रखना है, बहुत पोजीशन का ध्यान रखना है। ये देखो हमारे भाई बिल्कुल सही दिखाने आ गए, ये बिल्कुल ऐसे। जैसे इधर के आप ट्रेंड हो जाएंगे फिर पोजीशन चेंज 1, 2, 3, 5, 6, 7 ऐसे। इसके 15-20 रेपिटेशन, इनमें से कोई सी भी 2 रख लीजिए, 3 रखना चाहो 3 रख लीजिए, 15-20 रेपिटेशन इसके 2 या 3 सेट्स, मज़ा आ जाएगा। सो हो गया हमारा एप्स और साइड्स का वर्कआउट कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो आएगी हमारी लेग्स वर्कआउट की जो बच गई है, वो नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों के पास आ जाएगी। काफ़ी लोगों को लगता है यार बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जिम की गेम है, एक्सपेंसिव है, इसके अंदर पैसा लगता है। यार जिस चीज़ के अंदर पैसा लगता है वो चीज़ बढ़िया भी तो लगती है। जब कार होती है उसको मॉडिफाइड करते हो वो बढ़िया लगती है, बाइक होती है मॉडिफाइड करते हो बढ़िया लगती है, एक लड़की मतलब कोई सी भी लड़की ले लो जब वो मेकअप करती है उसके बाद बढ़िया लगती है। मतलब पैसे लगाते हैं ना, अच्छे कपड़े पहनते हैं हम, अच्छे कपड़े हम क्या, अरे बात कर रहा हूँ वैसे ही, तो हर एक चीज़ पे जब पैसे लगते हो अच्छी लगती है। तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसमें पैसा ना लगता हो, बेशक अच्छा घूमना है, अच्छा खाना है, अच्छा पीना है, कोई सा भी स्पोर्ट्स ले लो, क्रिकेट ले लो, फुटबॉल ले लो, क्रिकेट की किट पे पैसा लगता है, फुटबॉल की एक्सेसरीज पे पैसा लगता है, ऐसा कोई स्पोर्ट्स नहीं है जिसमें पैसा नहीं लगता है। हाँ हर एक चीज़ में पैसा लगता है। तो कहने की बातें हैं कि भाई जिम में पैसा लगता है, डाइट अपने हेल्थी लाइफस्टाइल पे पैसा लगाना गलत नहीं है। तो बस मैं यही बोलूँगा, आपकी क्या राय है कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एक ऐसा ऐप्स झूले खा रहे हो, ऐप्स वर्कआउट कर रहे हो, ये बॉडी होल्ड रहनी चाहिए इस तरीके से। चलो ना करके देखो, चीकू भाई करके दिखाएंगे। हाँ ये तो ऐसे जंप करने की जरूरत ही नहीं है, चीकू खड़े खड़े ही पकड़ लेता है ये डंडा।
खड़े खड़े ही पकड़ लिया देखो तुम्हें, बस उछल के पकड़ने पड़ते हैं ये डंडे। पकड़ो पकड़ो, हाँ चलो कैसे ऐसे, हाँ ये ऐसे ही देखो तुमने वो पहना हुआ है क्या पहना हुआ है जी, वो डंडे लगा रहे दिखा चीकू अंदर क्या है, चीकू अंदर डंडा मतलब डंडे तो है ही बिल्ला खड़ा कर रहा है।